डिंडोरी वाहन दुर्घटना में व्यक्तियों के असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहन शोक व्यक्त किया और मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही। सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति व परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। डिंडोरी वाहन दुर्घटना में व्यक्तियों के असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति व परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान सीएम ने घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच का भी आश्वासन दिया। बात का बड़ा दुख है, डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई उसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पर हमारे साथ की मंत्री संपत्या उइके जी को भेजा है, साथ ही मृतकों को लिए 4-4 लाख रुपया। वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपए देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि ये, खासकर मुझे जानकारी में आई कि रात को बीती रात की घटना है, पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियाँ हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है और निजी वाहन में खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए हैं, कोई वो भाड़े की कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जांच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं, इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जो जवाबदार होगा उस सब संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।